नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा जिले के अतुरैला में पुलिस के द्वारा रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर ड्राइवरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रेत उत्खनन की मिली सूचना के आधार पर अतुरैला पुलिस ने आज सुबह करीब 4 बजे रेघर रोड में पूरे स्टाफ के साथ दबिश दी। मौके पर 4 ट्रैक्टरों में रेत उत्खनन कर डंप किया जा रहा था। पुलिस की टीम के द्वारा 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर उनके ड्राइवरों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार अभी तक ट्रैक्टर मालिक नहीं पकड़े जा सके हैं, जिनकी तलाश जारी है। अतुरैला थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 379, 414 और मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद जिले भर में रेत उत्खनन का धंधा तेजी से फल फूल रहा है और इस सब मामले में पुलिस की कार्रवाई यदा कदा ही देखने को मिलती है। हालांकि अतुरैला पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई को रेत माफियाओं के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। आज आपने अवैध रेत परिवहन करते हुए कुछ ट्रैक्टर बरामद किए हैं, जब्त किए हैं, सर उन पर क्या कार्रवाई हुई सर? वो आए दिन शिकायत मिलती थी कि अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हैं, कहीं जबा तरफ, कहीं सिरमौर तरफ, कहीं सिमरिया तरफ ले जाते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में एक टमस नदी है जिसमें कुछ नाव वालों से निकलवा करके और अवैध व्यवसाय करते हैं। इसके पूर्व भी एकाध दो कार्यवाही शुरू में आकर किया था, तब से ये कारोबार बंद था। इसके बाद पुनः इन्होंने चालू किया, जैसे सूचना मिली तो आज सुबह 4 बजे मैं अपने पूरे स्टाफ को लेकर के देवखर रोड में गया था। वहाँ 4 ट्रैक्टर मुझे अवैध रूप से रेता लोड किए मिले, उनको थाना लाया मैं और विधिवत उनके खिलाफ धारा 379, 414, IPC, 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम एवं मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 53 के तहत जब्त कर कार्रवाई किया गया है और सारे ट्रैक्टरों के ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है और ट्रैक्टर के मालिक जो थे मौके से भाग गए, जो मिले नहीं हैं उनकी तलाश की जा रही है और अति शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इस तरीके की गतिविधि में जो सामने आएंगे उन पर बराबर कार्रवाई चलती रहेगी और इसमें से अपने जो गिरफ्तार किए गए हैं ड्राइवरों का नाम है राम रतन कौर और किन्नू कौर, सत्यभान कौर और एक ड्राइवर फरार हो गया, भाग गया गाड़ी छोड़ करके। और ड्राइवरों से पूछताछ की गई तो ये बताया कि एक ये जितनेश पांडे हैं, उनका ट्रैक्टर है जो मौके से भाग गए हैं, अंकित पांडे हैं और शिवशंकर तिवारी हैं, ये तीनों एक ही गांव के हैं, मौके से मिले नहीं हैं, भाग गए हैं, जिनकी तलाश की जाती है और अति शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।